जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज सभी बहनों के खाते में लाडली बहना योजना का अगला किस्त का पैसा यानी कि सातवीं किस्त का पैसा आज किसी भी वक्त ट्रांसफर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसकी जानकारी एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी थी। जैसा कि आप यहाँ पर इनका ट्विटर हैंडल देख पा रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया था कि मेरी लाडली बहनों 10 तारीख फिर आ रही है, यानी कि 10 दिसंबर 2023 को आप लोगों को लाडली बहना योजना का अगला किस्त का पैसा मिलने वाला है। और इन्होंने बताया था कि मैंने राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 रुपए की है, जिसे आगे 3000 तक ले जाऊंगा। मैं एक एक वचन को पूरा करूंगा। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि इस बार आप लोगों को सातवीं किस्त का जो पैसा है वो और बढ़ाकर दिया जाए, यानी कि 1250 रुपए की जगह पर हो सकता है आप सभी बहनों के खाते में पूरे 1500 रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। और इन्होंने कहा कि लाडली बहना के बाद अब लखपति बहना का भी सफर शुरू होगा, यानी कि इसके बाद अब यहाँ पर लखपति बहना योजना का भी लाभ दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आज उन्हीं बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है। अगर आपके यहाँ पर डीबीटी लिंक है तो ही दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में आज यहाँ पर जो है पैसे ट्रांसफर हो पाएंगे। और साथ ही दोस्तों जैसे यहाँ पर किसी भी बहनों को पैसा आता है तो उनको बैंक की तरफ से एक SMS भी प्राप्त हो जाएगा कि आपको लाडली बहना योजना का अगला किस्त का पैसा भेजा गया है। या फिर दोस्तों आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर के अपने बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि आपको लाडली बहना योजना का अगला किस्त का पैसा मिला है या फिर नहीं मिला है। दोस्तों आप लोगों को लाडली बहना योजना का कितने किस्तों का पैसा मिला है आप लोग हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।